प्रिय विद्यार्थियों, आरसीई एज हब बानसर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फिजिक्स में पढ़ने जा रहे हैं दर्पण समीकरण। देखिए, इससे पहले की वीडियो हमने भी वही टॉपिक था, लेकिन वो इसका सब टॉपिक था। वो हमें इसमें पढ़ना जरूरी था कि भाई प्रतिबिंब जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रतिबिंब की क्या परिभाषा होती है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनमें अंतर क्या होता है, ये हमें पढ़ना जरूरी था। अब हम मेन जो टॉपिक पर आते हैं दर्पण समीकरण, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए कैसे हम इसमें सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं और हम उसकी सहायता से दर्पण समीकरण प्राप्त करते हैं। तो हम एक इस प्रकार से एक दर्पण ले लेते हैं इस टाइप का। माना कि दर्पण है अवतल, बिंदु पे इसका ध्रुव हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष कहलाता है और माने इसका फोकस बिंदु हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। माना यहाँ कोई बिंब है, कोई वस्तु रखी गई है, ये कोई वस्तु है। माना इस बिंब से प्रथम प्रकाश किरण, माना कि इस बिंब से, इस वस्तु से प्रथम प्रकाश किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और यह परावर्तन के पश्चात जो फोकस बिंदु होता है, माना कि यहाँ से ये गुजर जाती है इस प्रकार से। द्वितीय किरण माना कि जो वक्रता केंद्र है यहाँ से गुजरती है, जो यहाँ टकराती है इस प्रकार से। और यहाँ माना कि इसी बिंदु से, इसी बिंब से माना कि एक प्रकाश किरण और चलती है जो ध्रुव टकराती है और ये समान कोण बनाते हुए परावर्तन के पश्चात इसी बिंदु से यहाँ गुजर जाती है। तो हम यहाँ पे ये तीन प्रकाश किरण काम में लेंगे, यहाँ पे हमारा एक प्रतिबिंब बन जाएगा। ये हमारा बिंब है, बिंब मतलब वस्तु, इसे हम वस्तु कहते हैं, ठीक है। माना कि इस बिंब से हमने तीन प्रकाश किरणें गुजारी। प्रथम किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर यहाँ आपतित होती है, जो परावर्तन के पश्चात नियम के अनुसार फोकस बिंदु से गुजर जाती है। द्वितीय किरण माना कि जो वक्रता केंद्र यहाँ से गुजरती है, जो नियमानुसार वापस से गुजर जाती है उसी मार्ग से। और माना तीसरी जो किरण है वो ध्रुव पर यहाँ टकराती है, जो कि समान कोण बनाते हुए ये भी इधर से गुजर जाती है। यहाँ पर जाकर तीनों प्रकाश किरणें मिल जाती, जहाँ इस बिंब का हमें एक प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। माना कि ये ए बी को बिंब है और माना कि हमने ए डैश बी डैश हमने यहाँ के प्रतिबिंब प्राप्त कर लिया है, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ से एक हम अगर देखो अगर हम यहाँ से लंब डालना चाहें यहाँ से, तो यहाँ से हमको लंब डाल भी सकते हैं बिंदु पी पर। अब देखो हमारे पास में हमें दर्पण समीकरण सिद्ध करना है, उसका सूत्र निकालना है। तो हम यहाँ सबसे पहले हम ये त्रिभुज काम में लेंगे। देखो कौन कौन सा, पहले हम लेंगे बड़े त्रिभुज, जैसे हमने लिया ए बी पी, कौन सा भाई, ए बी पी, और फिर लेंगे ए डैश बी डैश पी। तो हम जो ज्यामिति है हम उसकी बात करते हैं, जैसे ज्यामिति से ज्यामिति से मतलब चित्र से मान लीजिए ज्यामिति से। तो त्रिभुज ए बी पी, देखो भाई ए बी पी, ठीक है, वह त्रिभुज ए डैश बी डैश पी लेते हैं, ए डैश बी डैश और पी, तो हम यह त्रिभुज काम में लेते हैं, ए बी पी ए डैश बी डैश पी लेते हैं, ठीक है। देखो देखो इसमें हम बात करें, देखो बी ए पी ये जो कोण है भाई कितने का है, 90 का है, यानी कोण बी ए
पी बी ए पी क्या है बराबर 90 डिग्री। फिर देखो इसी प्रकार से देखो बी डैश ए डैश पी ये जो हमारा त्रिभुज है यहाँ तो ये भी कितने का भाई 90 का है यानी बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी बराबर क्या है 90 डिग्री। यानी देखो ए बी पी जो त्रिभुज है इसमें ए डैश बी डैश पी में इसमें बी ए पी 90 डिग्री का है और बी डैश ए डैश पी भी कितने का है 90 डिग्री का है। ठीक है फिर देखो आगे भाई आगे देखिए बी ए और पी यानी देखो ये जो हमारा कोण है बी पी ए यानी ये जो कोण ये देखिए बी पी ए कोण बी पी ए बराबर होगा किसके ए डैश पी बी डैश के कोण ए डैश पी बी डैश के। देखो भाई बी पी ए मतलब ये जो कोण होगा इसके इक्वल होगा ए डैश पी बी डैश के। क्यों? क्योंकि एक नियम होता है कि जो भी प्रकाश किरण ध्रुव पे जितना कोण बनाते हुए वह आपतित होती है उतने ही कोण से उसका परावर्तन हो जाता है। ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अब देखो आगे जब दो कोण अगर इक्वल हो जाते हैं तो अपन कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज हैं ये समरूप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समरूप। तो हम यहाँ लिख देंगे आता है त्रिभुज ए बी पी व ए डैश बी डैश पी समरूप हैं अतः इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो यहाँ हम इनकी भुजाओं का अनुपात लेते हैं मतलब इसका लंब ले लेंगे और इसका लंब ले लेंगे मतलब ए बी इसका लंब हो गया बटे में ए डैश बी डैश बराबर इसका आधार जो कि क्या है ए डैश पी भाई इसका आधार देखो ए पी है सॉरी इसका आधार ए पी है ए पी देखो भाई ये ए पी इसका आधार है भाई ये लंब हो गया ये आधार हो गया ए पी बटे में इसका आधार क्या है ए डैश पी तो ए पी बटे ए डैश पी माना कि नंबर ही एक समीकरण है। हमने क्या किया हमने दो बड़े त्रिभुज लिए हमने उनके समरूप सिद्ध कर दिया कैसे हमने दो कोण क्या कर दिए बराबर सिद्ध कर दिए। देखो आगे देखो इसी प्रकार से देखो हम अब जो छोटे त्रिभुज लेंगे कौन कौन से देखो ये छोटे लेंगे जैसे हम यहाँ को बिंदु डी मान लें कोई भी तो डी एफ पी यानी त्रिभुज डी एफ पी देखो डी एफ पी व त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ त्रिभुज ए डैश बी डैश है या वही काम हमें करना है कि हमें इनको भी दोनों क्या है समरूप सिद्ध करना है। तो देखो बी डैश ए डैश एफ 90 का है तो बी डैश ए डैश एफ बराबर क्या होगा बराबर होगा एफ डी पी या ऐसे बोल दो डी पी एफ देखो बी डैश ए डैश एफ बराबर किसे होगा डी एफ डी पी एफ के कौन डी पी एफ के बराबर 90 डिग्री। फिर देखो भाई ये जो कोण है आपस में क्या होंगे बराबर होंगे क्यों क्योंकि इनको बोलते हैं शीर्षा अभिमुखी कोण बोलते हैं यानी कोण ए डैश एफ बी डैश ए डैश एफ बी डैश इक्वल होगा किसके भाई डी एफ पी के डी एफ पी क्यों क्योंकि इनको बोलते हैं शीर्षा अभिमुखी कोण इनको कहते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि भाई हमने यहाँ भी दो कोण बराबर कर दिया भाई एक तो दोनों 90 के हो गए और ये कोण भी आपस में दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो अपन कह सकते हैं क्या कि त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व
त्रिभुज डी एफ ई क्या होंगे, समरूप होंगे। और समरूप होंगे तो हमने इनका जो अनुपात लिया है वो भी बराबर होगा, तो हम वो इनका अनुपात लेंगे। जैसे पहले इसका लंब ले लेंगे ए डैश बी डैश, ठीक है, या भाई ले लो डी पी ले लो, बात एक ही है, डी पी बटे ए डैश बी डैश बराबर, इसका आधार देखो पी एफ है, इसका आधार क्या है ए डैश एफ है, ठीक है। भाई देखो आगे, देखो डी पी का जो मान है वो ए बी के बराबर हो सकता है ऊंचाई इसकी, जो कि ए बी का जो मान है वो डी पी के बराबर हो सकता है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ हमारा ए बी आ सकता है और यहाँ हमारा ए डैश बी डैश तो आएगा, और यहाँ पी एफ का पी एफ रहेगा और ए डैश एफ। नंबर दो देखो भाई, अगर हम समीकरण एक और दो की बात करें तो देखो ये ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये भी क्या है ए बी बटा ए डैश बी डैश, दोनों बराबर हैं, तो अपन कह सकते हैं कि समीकरण एक व दो से, यानी अपन देखो समीकरण एक व दो की तुलना करें तो तुलना करने से अपन ये कह सकते हैं कि भाई देखो ए पी यानी ए पी का मान बराबर होगा किसकी भाई ए डैश पी के, क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ आ जाएगा पी एफ बटे में आ जाएगा ए डैश एफ। अब देखो अब हम क्या करें, देखो ए पी का मान रख लो, देखो ए बी क्या है ये वस्तु है, देखो यहाँ से यहाँ तक ए पी यानी जो कि ए पी का जो मान हो जाएगा यू, क्योंकि यू क्या होती है बिम की दूरी, यानी ये हो जाएगी बिम की दूरी यू। और देखो आगे फिर ए डैश पी, देखो ए डैश पी देखो यहाँ से यहाँ तक ये होती वी, यानी यहाँ से यहाँ तक ये होती वी, वी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक ये होती यू, यू का मतलब बिम की दूरी, तो ये हो जाएगी वी। पी एफ देखो भाई क्या है, पी एफ देखो पी एफ क्या है फोकस दूरी, क्योंकि ये ध्रुव है और ये फोकस बिंदु है, तो ये हो जाएगी फोकस दूरी। और ये देखिए ए डैश एफ बच गया, ए डैश एफ देखो आप ए डैश एफ हमें चाहिए, देखो भाई यहाँ से यहाँ तो ये वी है और ये एफ है फोकस दूरी है, हमें ये चाहिए ए डैश एफ, क्या करेंगे इस वी में से एफ को घटा देंगे, तो ये क्या बचेगा ए डैश एफ, मतलब ये आ जाएगा वी माइनस एफ, मतलब वी में से एफ को घटा देंगे। अब ये सब मान यहाँ रख दो, ए पी का मान क्या है यू, इसका मान है वी, पी एफ मान है एफ, और ये है वी माइनस एफ। अब इन्हें आपस में गुणा कर दो, आपस में आप गुणा करेंगे इनको देखो तो यह आ जाएगा यू वी माइनस यू एफ, और ये आ जाएगा वी एफ, आगे दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर, भाग लगाओ यू वी एफ का, देखिए यू वी अपॉन यू वी एफ, यू एफ अपॉन यू वी एफ बराबर वी एफ अपॉन यू वी एफ, यू से यू कट जाएगा, वी से वी कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक बटा एफ, यू से यू कटेगा एफ से एफ, यहाँ बचेगा एक बटा वी, और यू से सॉरी वी से वी और एफ से एफ, यहाँ बचेगा एक बटा यू। अब देखो एक बटा वी उधर भेज दो तो एक बटा एफ बराबर हो जाएगा एक बटा यू प्लस एक बटा वी, और यही हमारा होता है दर्पण समीकरण, यानी यहाँ ये हमारा होता है दर्पण समीकरण, यानी एक बटा एफ बराबर क्या होता है एक बटा वी प्लस एक बटा यू, इसे ही दर्पण समीकरण कहा जाता है। तो ये हमारा था दर्पण समीकरण, टॉपिक समाप्त है, ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।